अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउंड रॉबिन स्केजलिंग एल्गोरिदम। ये एक ऐसा स्केजूल है जिसमें प्रोसेसेस जो हैं वो फेयरली एग्जीक्यूट होते हैं। इस तरह से ये होगा, इस जो जो एल्गोरिदम है इसके अंदर हर जो प्रोसेस है उसको इक्वल टाइम दिया जाता है, मतलब इक्वल उसका टाइम स्लॉट सेट कर दिया जाता है, लाइक उसे हम क्वांटम भी कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें टाइम शेयर हो रहा है, और अगर एक जो है अगर एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता उसको हम टाइम क्वांटम देते हैं, लाइक हम उसको 2 दे देते हैं, उसको हम 4 दे देते हैं, तो मतलब अगर उसमें वो जो बस टाइम है वो जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको नेक्स्ट टाइम उसको जो रिमेनिंग होता है वो नेक्स्ट टाइम उसका कैलकुलेट हो जाता है, नेक्स्ट टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम भी कंप्लीट नहीं होता तो उससे नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से ये घूमता रहता है, मतलब एक प्रोसेस को टाइम दिया, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, अगर फर्स्ट वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर ये वापस जो है वो फर्स्ट के पास जाता है, फिर सेकेंड के पास, फिर थर्ड के पास। अगर थर्ड एग्जीक्यूट हो गया था तो फिर ये किसके पास जाएगा, फोर्थ के पास, फिर फोर्थ के पास, फिर वन के पास, फिर टू के पास, फिर थ्री को वो कर देगा, जंप कर जाएगा, और फिर फोर पे। अगर इसमें ये भी है कि अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट्स और चेंजेस इट्स स्टेट वेटिंग ड्यूरिंग टू इट्स एट्रीब्यूटेड टाइम क्वांटम, मतलब वही है कि इसमें टाइम शेयरिंग होती है, और अगर कोई प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो उसे फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे अपना टाइम दिया जाता है, और अगर पहले से जो अगर जो है वो मतलब जितना टाइम क्वांटम मिला था उससे भी अगर प्रोसेस जो छोटा है तो क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग किसको, टाइम क्वांटम को, बस टाइम में से। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने प्रोग्राम में क्या करना है। हम लोग एक एल्गोरिदम है ये वाला, हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर हम अरे का साइज डिक्लेयर करेंगे, और इसके अंदर हम करेंगे टाइम क्वांटम भी रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो उस टाइम क्वांटम के हिसाब से हर प्रोसेस को उतना उतना टाइम दिया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ अ प्रोसेस इज ग्रेटर देन टाइम क्वांटम, अगर टाइम क्वांटम से जो है बर्स्ट टाइम वो ग्रेटर है, देन सबट्रैक्ट टाइम क्वांटम फ्रॉम द बर्स्ट टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जो टाइम क्वांटम है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट बर्स्ट टाइम को, वरना फिर क्या कर देंगे हम लोग बस टाइम को है वो हम टाइम क्वांटम को असाइन कर देंगे, और फिर क्या करेंगे हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम वैल्यूज को डिस्प्ले करवा देंगे। हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ हैं, और ये हम लोगों ने एम जो है वो क्वांटम के लिए बनाया है, ये बाकी वेटिंग टाइम की अरे बना रही है, वेट की भी, स्टैक की भी, बर्स्ट की भी, अराइवल की भी, और एस बर्स्ट की भी। ये किस लिए है, ये हमारा जो है वो बर्स्ट टाइम तक वेट करने के लिए है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस को हम लोग वन बाय वन प्रोसेसेस ये हम लोग असाइन करें साथ ही साथ, जय जब ज़ीरो होगा कितनी टाइम चलेगा, 3 टाइम, क्योंकि हम लोगों ने इसका जो है वो सेट किया हुआ है नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अराइवल टाइम एंटर करेंगे, इसका एंटर हम क्या करेंगे बस टाइम, और फिर उसके बाद हम लोग इसका जो अराइवल टाइम जो अरे है अराइवल टाइम वन बाय वन जो सब प्रोसेस का अराइवल टाइम था वो किस में चला जाएगा, टेम्प में। टेम्प्रेरी हमने एक अरे बना ली है उसके अंदर क्या चला जाएगा, ये वन बाय वन सारा अराइवल टाइम चला जाएगा, ताकि जब हम लोग बाकी जो परफॉर्म करेंगे वो सारे करेंगे टेम्प पे, ताकि अराइवल टाइम वाली जो अरे है उसको वो इफेक्ट ना हो। उसके बाद करेंगे हम लोग एस बर्स्ट के अंदर जो सारे प्रोसेस वन बाय वन आए थे हम उसको भी ऐड करते जाएंगे, उसका सम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है, ये क्वांटम है, इससे क्या करेंगे हम लोग एंटर क्वांटम टाइम क्वांटम
तो हम क्या करेंगे, क्वांटम टाइम ले लेंगे और इसके बाद हम लोग यूज़र से लेंगे, वो भी इनपुट लेंगे वाइल वन, जब तक वन नहीं हो जाता तब तक ये क्या करेगा, चलता जाएगा। टाइम इक्वल्स टू जीरो कब तक चलेगा, एम लेस देन काउंट, काउंट क्या है क्वांटम, इसके अंदर कितना क्वांटम है, टू। अब वन बाय वन यहाँ से प्रोसेसेस स्टार्ट होने होंगे। इफ़ आई इक्वल इक्वल्स टू एस बर्स्ट, अगर जो है आई वो जब तक इसके इक्वल नहीं होगा तब तक क्या करेगा, चलता जाएगा। जब आई इक्वल इक्वल्स टू बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट के अंदर क्या है, टोटल जो है वो जो प्रोसेसेस का जो टाइम है वो सारा एस बर्स्ट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, जैसे ही सारे सारे प्रोसेस का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉक में क्या कर देंगे हम लोग, स्टैक ऑफ जीरो, स्टैक ऑफ जीरो के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट प्रोसेस, तो हम लोग सी आउट क्या करवा देंगे, प्रॉक, प्रॉक के अंदर क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस। और इफ टेम्प ऑफ प्रोसेस इक्वल इक्वल्स टू आई, आई के अंदर अभी फर्स्ट टाइम क्या होगा, जीरो, तो क्या कर देंगे, टी वेटिंग टाइम इक्वल्स टू जीरो। एल्स के अंदर क्या है, टी वेटिंग टाइम इक्वल्स टू आई माइनस टेम, अदरवाइज क्या कर देंगे हम लोग, वेटिंग टाइम से जो टी वेटिंग है, टोटल वेटिंग टाइम है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, टेम्प ऑफ प्रॉग, टेम्प ऑफ प्रॉग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम इसमें से माइनस कर देंगे, वेटिंग टाइम में से आई में से माइनस कर देंगे उसको। टेम्प ऑफ प्रॉग, टेम्प ऑफ प्रॉग में क्या है, जो प्रोसेस है वो पड़ा हुआ है इक्वल्स टू, टेम्प के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ है अराइवल टाइम, अराइवल टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। टेम्प ऑफ प्रॉग के अंदर क्या है, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम जो प्रॉग है उसका, प्रॉग में क्या है, सबसे पहले स्टैक ऑफ जीरो, जीरो का मतलब फर्स्ट प्रोसेस, तो मतलब जीरो है, जीरो के अंदर क्या हम लोग क्या कर देंगे, आई प्लस वन, तो हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस है वो ऐड कर देंगे, मतलब आई के अंदर क्या है, इसके अंदर बस टाइम जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, वेट में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ प्रॉक, प्रॉक में क्या है, वेट ऑफ प्रॉक प्रोसेस ऑफ जीरो के अंदर, हम लोग क्या कर लेंगे, इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, वेट के अंदर क्या आ जाएगा, वेट प्लस टी वेटिंग टाइम, टोटल वेटिंग टाइम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, अगेन इसका हमने पहले वेट कैलकुलेट किया, फिर हम लोग वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसका बर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे। साथ हम बर्स्ट कैलकुलेट किया, इफ़ बर्स्ट ऑफ क्लॉक इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर जो प्रोसेस का बर्स्ट है जो वो अगर जीरो हो गया तो क्या करेगा, फॉर इंट एक्स इक्वल टू जीरो, और उसके अंदर नेक्स्ट वाला प्रोसेस, स्टैक ऑफ एक्स के अंदर हम क्या डाल देंगे, नेक्स्ट वाला प्रोसेस, और उसमें से एक प्रोसेस जो होगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस एक कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें से क्या कर देंगे हम, एक माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, यानी कि जो फर्स्ट टाइम है उसके अंदर एक वन बाय वन हम लोग ऐड भी करते जाएंगे साथ में। फिर क्या करेंगे, इफ़ आई इक्वल इक्वल्स टू बर्स्ट, अगर दोनों एक हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। ये हमने कोड अरे नहीं है, इसके अंदर हमने स्टैक ऑफ जीरो डाल दिया, स्टैक ऑफ जीरो पे फर्स्ट प्रोसेस है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, फॉर इंट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स लेस देन इक्वल्स लेस देन टॉप माइनस वन, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, स्टैक ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसमें स्टैक ऑफ एक्स के अंदर हम नया प्रोसेस डाल देंगे जो नेक्स्ट वाला प्रोसेस होगा, तो क्या करेंगे, स्टैक ऑफ टॉप माइनस वन, और इसको हम क्या असाइन कर देंगे, ये वाला प्रोसेस, इसके अंदर क्या था, हम लोगों ने क्या डाला था, स्टैक ऑफ जीरो, मतलब पहला प्रोसेस डाला था, वो पहला प्रोसेस हम किसको असाइन कर देंगे, टॉप माइनस वन को, इस तरह से क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगी, और इसका हम टोटल वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करके उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एंटर अराइवल टाइम, इसका हम बस टाइम एंटर करेंगे, अराइवल टाइम, बस टाइम, अराइवल टाइम और बस टाइम, इसका हम क्वांटम साइन कर देते हैं। ये हमें बता रहा है कि
कौन सा प्रोसेस कितनी दफ़ा कैलकुलेट हुआ है। जो पहला प्रोसेस था वो ज़ीरो टाइम, मतलब इस तरह से जो प्रोसेस हैं वो चले हैं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये वाला जो है ज़ीरो प्रोसेस 3 दफ़ा चला है, ये वाला प्रोसेस 3 दफ़ा, और नंबर 2 प्रोसेस भी 3 दफ़ा चला है, और फिर 0, फिर अगेन, और इसका टोटल जो वेटिंग टाइम था वो क्या है, 5। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।